हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो दो में बढ़ चुका है, टीयर वन और टीयर टू, और टीयर वन में सिर्फ और सिर्फ आपका एमसीक्यू आएगा, ठीक है। और अगर आपको एमसीक्यू में 100 out of 100 स्कोर करना है, उसका सिंपल सा लॉजिक है, जो जो चैप्टर आ रहे हैं ना उसके 50 एमसीक्यू कर लो, और वो भी वीडियो फॉर्मेट में। मैं बताता हूँ क्यों। देखो, आप वीडियो फॉर्मेट में करते हो ना, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभार एक क्वेश्चन है ना वो अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे, जब वीडियो देखेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन बताते जाऊंगा कि इस तरीके से भी पूछा जा सकता है और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली पीडीएफ मिल जाएगी तो आप ऐसे कंफ्यूज जाओगे, तो इसलिए मैंने वीडियो फॉर्मेट में बताया है। और साथ में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताते जाऊंगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो उसको आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और बाकी अलग अलग की, यानी जियो की, सिविक्स की और अपने इकोनॉमिक्स की, उनकी प्ले लिस्ट का लिंक दे रखा है एमसीक्यू का, वो भी आप जाकर देख सकते हो। हिंदी मीडियम के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलो जी, शुरू करते हैं। एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, पहले आप उस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करना, ठीक है। मान लो मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया, उसके बाद पॉज करना, फिर खुद आंसर सोचना, उसके बाद आंसर तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है। इससे है ना क्या होगा, एक तरह से आपका टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेन मोटिव तो यह है ना कि आपको अच्छा स्कोर करना है, तो आपको पता भी चल जाएगा अगर आपने चैप्टर अच्छे से किया है तो कि मैंने कितने अच्छे से किया है, है ना, ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। ओके, चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इन 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन फ्रेंच आर्टिस्ट का नाम बताना आपको, जिन्होंने 4 प्रिंट की सीरीज निकाली थी, ठीक है, और उसका नाम था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, जो वो खुद कहते थे उन 4 प्रिंट की सीरीज को, ठीक है। तो वो कौन थे जिन्होंने ये पेंटिंग वगैरह बनाई थी, प्रिपेयर करी थी, प्रिंट करी थी? ए ड्यूक मेटरनिक, बी फ्रेडरिक सोरियस, सी काइजर विलियम, या डी लुई 16। पॉज करके बताओ जी क्या आंसर है। ओके, चलो मैं बताता हूँ, इसका आंसर है जी बी, फ्रेडरिक सोरियस। 1848 में इन्होंने पिक्चर बनाई थी और वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। याद रखना, आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि जी हमारे फ्रेडरिक सोरियो कौन थे, वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, ठीक है, याद रखना। और इस पिक्चर का भी नाम याद रखना, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, वो खुद बोलते थे उसको, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अ गवर्नमेंट और अ सिस्टम ऑफ अ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेंट ऑन द पावर एक्सरसाइज। इसका मतलब एक ऐसा सिस्टम, ठीक है, जिसमें जो रूलर होता है ना उसकी पावर पर कोई रिस्ट्रेंट नहीं होते, यानी लिमिटेशन वगैरह नहीं होती, वो जो चाहे कर सकता है, ठीक है, जो चाहे कर सकता है। तो उस सिस्टम को, उस टाइप की गवर्नमेंट को क्या बोला जाता है, उस टाइप की इंस्टीट्यूशन को क्या बोला जाता है? ए यूटोपियन, बी प्लेबिसाइड, सी एब्सोल्यूटिस, या डी नेशन स्टेट, बताओ जी आंसर। चलो मैं बताता हूँ, इसका आंसर है जी एब्सोल्यूटिस इंस्टीट्यूशन। एब्सोल्यूटिस इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है जिसमें कोई रिस्ट्रेंट नहीं हो सकते, जो कुछ भी चाहे कर सकता है, ठीक है। मैं एब्सोल्यूटिस इंस्टीट्यूशन में आपको बता दिया, यहाँ पर ना डायरेक्टली ये भी लिखा जा सकता था कि मोनार्की रूल जो होता है वो किस में आता है, यूटोपिया, प्लेबिसाइड, एब्सोल्यूटिस इंस्टीट्यूशन है, नेशन स्टेट, तो वो एब्सोल्यूटिस में आता है, क्योंकि मोनार्की यानी किंग जो अपनी मर्जी चलाता है, कुछ भी कर सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। एक ऐसी सोसाइटी जो इतनी आइडियल है जो पॉसिबल ही नहीं है कि वो एक्चुअली एग्जिस्ट करे, तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, ठीक है, मतलब एक इमेजिनरी दुनिया जो होती है ना, सपने वाली दुनिया जो बहुत अच्छी होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? ए यूटोपिया, बी नेशन स्टेट, सी प्लेबिसाइड, या डी एब्सोल्यूटिस्ट। अब एक ट्रिक बताता हूँ आपको, देखो, अब वैसे तो मान लो आपने ये चैप्टर कवर कर रखा है, ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। देखो, एक चीज़ तो आपको पता चल गई कि एब्सोल्यूटिस इंस्टीट्यूशन तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा कि एब्सोल्यूटिस इंस्टीट्यूशन का आंसर ये नहीं हो सकता, ठीक है। नेशन स्टेट, यहाँ पर स्टेट की बात करी गई है, कंट्री की बात करी गई है, बट अब ऊपर क्वेश्चन में कंट्री से रिलेटेड कुछ पूछा ही नहीं है। अब बचा ए और सी, अब आप 50-50% लगा सकते हो तुक्का, ठीक है। अब 4 ऑप्शन आपके लिए 2 बन गए, अब आप एक तुक्का भेड़ोगे तो कम से कम 50% तो चांसेस सही होने के। तो ये करो एलिमिनेशन मेथड, इसका मतलब जो आंसर आपको बहुत ज़्यादा गलत रखा है उसको पहले एलिमिनेट कर दो। ओके, वैसे मैं बता दूँ, इसका आंसर जो है वो यूटोपिया है। यूटोपिया का मतलब एक ऐसी सोसाइटी जो इतनी आइडियल है कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जी प्लेबिसाइट, क्योंकि बाकी नहीं होंगे, ठीक है। प्लेबिसाइट कहते हैं जब किसी एरिया के लोगों से पूछा जा सकता है ना, जैसे कि मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैं एक एरिया में रहता हूँ, वहाँ पर नदी बहनी चाहिए, उसका बहाव जो है वो मोड़ना चाहिए नहीं मोड़ना चाहिए, उसके लिए हमारे इलाके के सारे बंदे वोट देते हैं, तो इसी को कहते हैं जी हम क्या, प्लेबिसाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। के अ डैश वॉज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड द शेयर हिस्ट्री और द डिसेंट। अब इसके ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन पढ़ना ध्यान से।
ए ड्यूक मेटरनिक, बी फ्रेडरिक सोरियू, सी काइजर विलियम या डी नेशन स्टेट। ये क्वेश्चन मैंने जान पूछ के डाला है, ध्यान से सुनो। आपको है ना ये लाइन पढ़ के एक तरह से पता तो चल गया होगा कि ये डेफिनेशन है। ऊपर के तीनों तो नाम है, ठीक है, ऊपर के तीनों तो नाम लिखे, तो इसका आंसर डी ही होगा। ये जान पूछ के मैंने डाला है कि आपको आंसर अगर ना भी बताओ तो इतना तुक्का तो भेड़ सकते हो कि जी अगर यहाँ डेफिनेशन में डेफिनेशन है ये, तो नाम तो इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी मैं बता दूँ, नेशन स्टेट का मतलब होता है कि एक ऐसी कंट्री जहाँ पर लोग आपस में जुड़े हुए हों बाय कॉमन हिस्ट्री, कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन डिसेंडेंट, ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम जी नेशन स्टेट। जैसे इंडिया एक नेशन स्टेट है क्योंकि हमारी हिस्ट्री सेम है, कल्चर सेम है, आइडेंटिटी सेम है, बेशक हमारी लैंग्वेज सेम ना हो बट बाकी सारी चीज़ तो ऑलमोस्ट सेम है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जी जर्मनी का फ्लैग का कलर क्या है। बुक में एक लाइन लिखी हुई थी और मैं बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता था, एक एक क्वेश्चन में आपका कवर करवाना चाहता था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया क्योंकि ये बुक के अंदर दे रखा है। जर्मनी के फ्लैग का कलर क्या है जी? ब्लैक रेड एंड गोल्ड। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी ब्लैक रेड एंड गोल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हु इज़ द एलिगरी ऑफ फ्रांस। फ्रांस की एलिगरी का नाम बताओ। पहले तो एलिगरी का मतलब क्या होता है? एलिगरी का मतलब होता है जी रूपक, हिंदी में बोलते हैं। जैसे इंडिया की एलिगरी क्या है? भारत माता। जब किसी कंट्री को एक फीमेल फिगर की तरह रिप्रेजेंट किया जाए, पर्सोनिफाई किया जाए, इंसान की तरह दिखाया जाए, उसी को एलिगरी कहते हैं। ओके चलो, ए फ्रांसेनिया, बी मारियान, सी रेड लेडी या डी फर्स्ट लेडी। ये क्वेश्चन है ना अगर आपको नहीं आता तो बड़ा ट्रिकी लग रहा होगा आपको, और आप पहला तुक्का भिड़ोगे जी फ्रांसेनिया पे, ठीक है, जो कि आंसर सही नहीं है। वैसे इसका आंसर है मारियान, याद रखना, ये पता होना चाहिए, नाइन्थ क्लास में भी आपने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि जर्मनी की एलिगरी का क्या नाम है। जैसे इंडिया की हो गई, फ्रांस की हो गई, वैसे ही जर्मनी की एलिगरी का नाम है जी जर्मेनिया। ये तो सिंपल था, ये याद रखना, बस फ्रांस का नहीं भूलना चाहिए। ओके ये क्वेश्चन है, मैं पहले इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ। इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि ऊपर है ना ये जो हमारे जीसस क्राइस्ट है और जो एंजल वगैरह है, वो नीचे की तरफ अपने नज़रें टिकाए हैं लोगों की तरफ, है ना, लोगों को देख रहे हैं। तो इस ये पिक्चर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, यही हमारा क्वेश्चन है। ए फ्रेंडशिप अमंग द नेशन, बी फर्टेनिटी अमंग द नेशन, या सी लव, या डी फ्री नेशन। तो ये क्या, फर्टेनिटी अमंग, इसका मतलब है बंधुत्वा, भाई बंदगी। ज़्यादातर जो देश है यूरोप के वो सारे क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हैं, तो ये उन्हीं के बीच में भाईचारे को रिप्रेजेंट कर रहा है। आ सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, या मैं कहूँ पूरा चैप्टर ही है इसमें। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म केम विद द डैश रेवोल्यूशन इन 1789। नाइन्थ क्लास में पहला चैप्टर, द आंसर इज फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। मतलब पहला, सबसे पहले लोगों के मन में देशभक्ति की भावना किस एरिया में जागी? फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन किया था जब फ्रांस के लोगों में देशभक्ति की भावना जागी। ओके तो इसका आंसर है फ्रेंच रेवोल्यूशन। उल्टा भी पूछा जा सकता है कि जी फ्रेंच रेवोल्यूशन कौन से ईयर में हुआ? 1789 में हुआ, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी लापात्रिया का क्या मतलब होता है, आइडिया ऑफ लापात्रिया का क्या मतलब होता है। अगर आपने ये चैप्टर थोड़ा सा पढ़ा हो तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस के अंदर कुछ चेंज आए थे, तो उसमें ये एक आइडिया था जिसमें ये बोला गया था कि फादरलैंड, ये मानो कि फ्रांस आपका फादरलैंड है। जैसे हम भारत माता बोलते हैं ना, ये हमारी माता है, ज़मीन है, ये हमारी माँ है, वैसे ही वहाँ पर लापात्रिया का आइडिया वगैरह चला था। ओके वट इज़ द मीनिंग ऑफ द आइडिया ऑफ ले सिटोयन। अभी ले सिटोयन का क्या मतलब है? सिटोयन, सी सी ढूंढो, सिटीजन। ऐसे थोड़ा कभी कभार तुक्का भी लगा लिया करो अगर आपको बिल्कुल मीनिंग नहीं पता तो, ठीक है। ले सिटोयन, सिटीजन सिटोयन थोड़ा सा मिलता जुलता लग रहा है इसीलिए। ओके चलो, क्योंकि यार अगर आप तुक्का नहीं भेड़ोगे तो गलती तो वैसे भी होनी है। कभी कभार क्या करते हैं बच्चे, कोई आंसर ना पता होना उसको छोड़ के आ जाते हैं, MCQ में छोड़ के आ जाते हैं। अबे ऐसा मत करो यार, देखो MCQ में यहाँ तो गलत है या सही है, यहाँ आपको आता है या आपको नहीं आता। अगर नहीं आता तो तुक्का भेड़ो, कुछ तो सही होगा, चांसेस तो हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग चेंज केम आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। इनमें से कौन कौन सी चीज़ें थी जो चेंज हुई थी फ्रांस के अंदर जब 1789 का रेवोल्यूशन हुआ था। ए फ्रेंच बिकम अ नेशनल लैंग्वेज, बी ट्राई कलर इंट्रोड्यूस किया था, नया झंडा आया था, सी एक स्टेट जनरल का नाम जो है वो चेंज करके नेशनल असेंबली कर दिया गया था, या डी इनमें से चारों। द आंसर इज इनमें से चारों, ये मतलब ऊपर के तीनों की तीनों ही सही है। ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बताना आपको कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था 1789 में, तो उस टाइम किंग कौन था फ्रांस का, क्योंकि उसके बाद तो गवर्नमेंट आ गई थी ना, नेशनल असेंबली आ गई थी, ये तो पता ही होगा आपको। डायरेक्ट आंसर है लुई XVI, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको पता नहीं विक्टर इमैनुअल सेकंड कौन था तो बता देना यार कमेंट में, थोड़ा सा वैसे तो आएगा ये क्वेश्चन, बट आई होप ये आंसर आपको पता हो तो इसका बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रेवोल्यूशनरी, ये बेसिकली एक लाइन है आपके जो बुक के अंदर है कि द रेवोल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर दैट इट वॉज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ डैश फ्रॉम द डेस्पोटिज्म, ठीक है।
तो जो रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन किया था, उन्होंने ये बोला कि जैसे फ्रांस पर रेवोल्यूशन हुआ ना, हम इस एरिया में भी रेवोल्यूशन करेंगे। अब किस एरिया में करेंगे, किस एरिया को राजाओं से छुट्टी दिलाएंगे, उस एरिया का नाम बताना आपको। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो। आपको क्या लगता है, आपने कभी भी फ्रांस का इंडिया से कोई कनेक्शन देखा है? द आंसर इज नो, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में इंडिया के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, रशिया के बारे में भी हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो ये भी नहीं हो सकता। अमेरिका और यूरोप में आप फंस गए। अब ये देखो कि ज़्यादा नज़दीक कौन है, फ्रांस के ज़्यादा नज़दीक है यूरोप, और यही आंसर है। ठीक है, तुक्का भेड़ा है, तुक्का भेड़ो इसमें, आंसर वैसे यूरोप ही है, बट फिर भी तुक्का भेड़ना सीखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वैसे तुक्का क्या भेड़ो, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। देखो, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है ना, तो एक बात और याद रखना, चैप्टर प्लस MCQ प्लस PYQs। चैप्टर कर लो किसी का, चैप्टर जब समझ आ जाएगा तो फिर MCQ भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। आपको अच्छे समझ आ जाएगा कि जी इस टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, है ना। और फिर आपको PYQs कर लोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे चैप्टर में से, तो फिर गदर मचा दोगे आप बोर्ड एग्जाम में, है ना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि हु इंट्रोड्यूस द सिविल कोड ऑफ 1804। सिविल कोड ऑफ 1804 कौन लेकर आया था, लुई 16। अब देखो सिंपल, लुई 16 तो हो नहीं सकता था, क्यों, लुई 16 तो 1789 में हट चुका था। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट, हमारा ड्यूक मेटरनिक, या कार्ल मार्क्स, तो इसका आंसर है जी नेपोलियन बोनापार्ट, 1804 में लेकर आया था। ठीक है, अब आप मेरे को बताना है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट है उसका रूल कब तक रहा था, अगर आपको याद है। वैसे आएगा ये वाला अभी क्वेश्चन, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के, जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसने जब रूल किया था तो उसके कुछ ड्रॉबैक भी थे, यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिससे लोग उससे गुस्सा थे, तो वो कौन कौन सी चीज़ें थी। ए, उसने टैक्स एंटिटीज इंट्रोड्यूस कर दिए थे। बी, उसने सेंसरशिप लगा दी थी। सी, उसने लोगों को फोर्स किया था फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करने के लिए। या डी, ये तीनों की तीनों, द आंसर इज डी, ये तीनों की तीनों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेपोलियन जो था उसने नेपोलियनिक कोड कब इंट्रोड्यूस किया था। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी थी हमने, उसने 1804 में इंट्रोड्यूस किया था। समझ आ गया ना, उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो इसको ध्यान रखना है आपको। इसको सिविल कोड ऑफ 1804 भी बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ तो नेपोलियन लिखा है, सिविल कोड ऑफ 1804 में 1804 में ही आया था। सिविल कोड लिख देंगे आपको कि नेपोलियन जो था वो सिविल कोड कब लेकर आया था, तो ऐसे ऊपर नीचे पूछा जा सकता है आपसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन नेपोलियन डिफीट फ्रॉम द यूरोपियन पावर। यूरोपियन पावर थी, मैं नाम बता देता हूँ, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, चलो आप बताना। ठीक है, अभी मैं बता दूंगा, बट अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो इसका आंसर क्या होगा, कि नेपोलियन को कब हराया गया था। पहले तो मैं आपको साल बता देता हूँ, आएगा वो भी क्वेश्चन फिर भी, कि नेपोलियन जो था वो 1815 में हारा था। ठीक है, ये देखो ये लिखा हुआ सी, 1815 में हारा था, यही हमारा क्वेश्चन है। तो 1815 में हारा था, किसने हराया था, PRAB। अगर आपने चैप्टर की वीडियो देखी होगी मेरी, तो आपको पता होगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, PRAB। कमेंट भी लिख देना ताकि बाकी बच्चों को पता चल जाए, और टाइम स्लॉट भी लिख देना। ठीक है, किस टाइम पे वाला क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर ये है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि उस बैटल का नाम बताओ, ये जो नेपोलियन बोनापार्ट हारा था ना यूरोपियन पावर से, PRAB, प्रैब। चलो मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ प्रैब की, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया बोला, ऑस्ट्रेलिया नहीं बोला मैंने, ऑस्ट्रिया, एक कंट्री ऑस्ट्रिया, और बी से ब्रिटेन। इन चार कंट्रियों ने मिलकर किसको हराया था, हमारे नेपोलियन बोनापार्ट को हराया था। तो उसकी जो बैटल हुई थी उस लड़ाई का क्या नाम था। ठीक है, तो क्या नाम है उसका बताओ आप, ABC या D। इसका आंसर है सी, द बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी जिसमें जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो हार गया था, 1815 में हुई थी, प्रैप की कंट्री ने हराया था। अभी अभी प्रैप की फुल फॉर्म बताई थी मैंने आपको। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेफरेज। अच्छा, सेफरेज का क्या मतलब होता है, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, राइट टू वोट, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। क्या इस चैप्टर में आपने इलेक्शन कंटेस्ट करने के बारे में कहीं पढ़ा, द आंसर इज नो। तो इसका आंसर वैसे राइट टू वोट है, है ना, समझ गए आप। तो एक तो कम से कम आपको ये तो पता चल गया कि ए गलत है। तो ऐसे ही एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, मैं बार बार एलिमिनेशन मेथड समझा रहा हूँ ताकि आप उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओ। जो सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट, राइट टू वोट का मतलब है, मैं आपको बता देता हूँ, उस टाइम में ना वुमेंस को राइट टू वोट नहीं था, वुमेंस को वोटिंग राइट नहीं था, मैन को भी वोटिंग राइट था, तो उन्होंने डिमांड करा कि उनको भी वोटिंग राइट दिया जाना चाहिए, उन्होंने सफरेज मूवमेंट चलाया था। ठीक है, इसी को कहते हैं कि सबको वोटिंग राइट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है LA, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन ये पक्का लगा लो आप। LA किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, बॉडी हाइट को, वेट को, क्लोथ को, या आपकी लैंड के एरिया को। द आंसर इज सी, क्लोथ की मेजरिंग यूनिट होती है LA, फ्रांस में यूज़ करी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज जोल्वरीन फॉर्म, जो हमारा जोल्वरीन था ठीक है वो कब बनाया गया। जोल्वरीन बनाया गया था जी 1834 में। ठीक है, हमारा जो जोल्वरीन था वो 1834 में बनाया गया था।
और जो हमारा जोल्वरिन था, अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आए, कोई डाउट लगे, तो वो क्वेश्चन जो नंबर है, क्वेश्चन नंबर नहीं वो मतलब कि वो टाइम स्लॉट लिख देना कि सर 15 मिनट 4 सेकंड पे है ना, तो ऐसे लिख देना जिससे मेरे लिए भी थोड़ा देखना आसान हो उस क्वेश्चन को। ओके, तो जोल्वरिन क्या था? जोल्वरिन था क्या था? एक पॉलिटिकल पार्टी था, कस्टम यूनियन था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था या करेंसी थी? जोल्वरिन एक कस्टम यूनियन था, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो ट्रेड वगैरह का जो टैक्स वगैरह सिस्टम होता था ना, ये जोल्वरिन ही देखता था, ठीक है। ओके, अब जोल्वरिन जो था वो किसके इनिशिएटिव से बनाया गया था? इंडिया के, जर्मनी के, रूसिया के या फ्रांस के? देखो एक आंसर तो नहीं हो सकता इसका, इंडिया, इंडिया का कोई लेना देना नहीं है इससे। ओके, तो इंडिया तो नहीं हो सकता, तो इसका आंसर वैसे मैं बता दूँ, इसका आंसर है जी प्रूशिया, प्रूशिया के इनिशिएटिव से बनाया गया था ये हमारा जोल्वरिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉज द जंकर, जंकर कौन थे? जंकर आई होप आपने चैप्टर पढ़ा हो तो आपको पता होगा, ए आर्मी ऑफ प्रूशिया, बी फार्मर, सी स्टूडेंट या डी लार्ज लैंड ओनर्स? तो इसमें से कौन सा आंसर है? द आंसर इज डी, लार्ज लैंड ओनर ऑफ प्रूशिया, जो बड़े बड़े जमींदार थे ना प्रूशिया के, उसको बोला जाता था जी जंकर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 के, डैश रिजिम वॉज सेटअप इन फ्रांस आफ्टर डिफीट ऑफ द नेपोलियन बोनापार्ट, जब नेपोलियन बोनापार्ट हार गया तो कैसा सिस्टम आया हमारे वहाँ पर फ्रांस के अंदर? तो आपको एक बात मैं आपको बता दूं, जब नेपोलियन बोनापार्ट हारा था ना, तो जो प्रैप की कंट्रियाँ जीती थी उन्होंने दोबारा से राजा को बिठा दिया था, और राजा क्या होता है? कंजर्वेटिव, तो इसका आंसर है कंजर्वेटिव रिजीम थी वो, डेमोक्रेटिक तो नहीं थी, डेमोक्रेटिक जहाँ पर इलेक्शन वगैरह हो है ना, तो वहाँ इलेक्शन वगैरह नहीं हो रहे थे, तो इसका आंसर है कंजर्वेटिव, ठीक है। आर्मी रूल भी नहीं था, आर्मी का लीडर तो नेपोलियन था बट वो तो हार गया था, तो इसका आंसर है कंजर्वेटिव रिजीम, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं कि ट्रीटी ऑफ वाटरलू जो थी, ठीक है, विच ट्रीटी वॉज साइंड आफ्टर द बैटल ऑफ वाटरलू, वाटरलू के बाद, ट्रीटी ऑफ वाटरलू के बाद, बैटल ऑफ वाटरलू के बाद जो लड़ाई हुई थी 1815 में, उसके बाद कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? ए बी सी डी, इनमें से कौन सा है? इसका आंसर है जी ट्रीटी ऑफ वाइना, ट्रीटी ऑफ वाइना साइन हुई थी बैटल ऑफ वाटरलू के बाद। अगर आपको पता है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब साइन हुई थी तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, क्वेश्चन नंबर डाल के या टाइम स्लॉट डालकर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 29 की, कंजर्वेटिव रिजीम सेटअप इन 1815 वॉज ए डेमोक्रेसी, बी ऑटोक्रेटिक, सी आर्मी रूल, डी वॉयलेंट? यानी जो कंजर्वेटिव रिजीम थी वो क्या थी? देखो डेमोक्रेटिक तो नहीं हो सकती, राजा जो था आपको पता है 1815 में दोबारा सा किंग आ गया था, किंग डेमोक्रेटिक तो नहीं हो सकता, तो इसका आंसर है ऑटोक्रेटिक, ठीक है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है कि ट्रीटी ऑफ वाइना में क्या क्या चीज़ें जो थी वो नहीं हुई थी, नॉट लिखा है यहाँ पर, ठीक है, देखो ध्यान से पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आफ्टर इफेक्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वाइना, ट्रीटी ऑफ वाइना के बाद इनमें से कौन सी चीज़ें नहीं हुई थी वो बताना आपको, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वाइना में क्या दोबारा से बर्बन डायनेस्टी का किंग आ गया था? द आंसर इज यस, जो प्रैप की कंट्री थी उन्होंने दोबारा से हमारे बर्बन, जो हमारा लुई 16 था वो बर्बन खानदान से ही था, बिस्कुट की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है, बर्बन एक डायनेस्टी है तो वहाँ से था, तो दोबारा से उसी डायनेस्टी के किंग को बिठा दिया गया था, तो ए तो इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ए तो हुआ था ट्रीटी ऑफ वाइना के बाद, जो नहीं हुआ था वो बताना है। डी की बात करते हैं, क्या रशिया को पोलैंड मिला था? प्रैप की एक कंट्री थी ना प्रूशिया फिर रशिया, तो क्या रशिया को पोलैंड मिला था, पोलैंड का पार्ट मिला था? द आंसर इज यस, रशिया को पोलैंड का पार्ट मिला था, तो ये भी नहीं हो सकता। सी की बात करते हैं कि फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरी इट हैज़ एनेक्स्ड अंडर द नेपोलियन, यानी नेपोलियन के टाइम में जो जो ज़मीन जीती थी फ्रांस ने वो खोनी पड़ी, ये भी सही है। बी लिखा हुआ है कि जर्मन जो कन्फेडरेशन था ऑफ 39 स्टेट वॉज चेंज, द आंसर इज नो, ये चेंज नहीं हुआ था। मैं बता दूँ जर्मन जो 39 स्टेट का जो बनाया गया था ना वो वैसे का वैसे ही रहने दिया प्रैब की कंट्रियों ने, ठीक है, तो इसका आंसर है जी बी, ये नहीं हुआ था। क्योंकि कभी कभार ना बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं नॉट को पढ़ने में, आराम से क्वेश्चन को रीड करना है आपको, आराम से, इत्मीनान से, शांति से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है कि डिस्क्राइब गसेपे मजीनी, किसने डैश डिस्क्राइब, किस बंदे ने ये बोला था कि जो हमारा गसेपे मजीनी है वो मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आर सोशल ऑर्डर, ठीक है, कौन था जी? लॉर्ड बायरन ने बोला था, ये ऑटोमन बिस्मार्क ने बोला था, ड्यूक मेटरनिक ने बोला था या काइजर विलियम ने बोला था? ड्यूक मेटरनिक ने, और मैं बता दूँ ऐसा बंदा है जो बहुत बोलता है, ठीक है। तो अगर कभी भी चैप्टर नंबर 1 से आपको लगे कि ये क्वेश्चन आया है और ये बोले कि किसने बोला था किसने बोला था, तो ज़्यादातर चांस होंगे कि ड्यूक मेटरनिक ने ही बोला था, ये भी एक तरीका है, ट्रिक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की, व्हेन काइजर विलियम वॉज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ जर्मनी, जो जर्मनी का किंग था वो काइजर विलियम कब बना था, 1871 में, 1861 में, 1947 में, 1815 में? इसका आंसर है जी 1871 में, और जनवरी में बना था वो। चलो ये भी मैंने आपको बता दिया, 1871 में जर्मनी में जो हमारा काइजर विलियम था वो किंग बना था जर्मनी का 1871 में, ठीक है, जनवरी में, ठंड का टाइम था, कोट पहना हुआ था उसने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की, और ये रियल बात है, पिक्चर देखना तो यही है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, इटालियन रेवोल्यूशनरी गसेपे मजीनी बॉर्न इन, कहाँ पैदा हुआ था ये इटालियन रेवोल्यूशनरी जो था हमारा गसेपे मजीनी, कहाँ पैदा हुआ था, फ्रांस में, हमारा सेंट्रल एशिया में, जुनेवा में, या रशिया में? आंसर है जुनेवा में, ठीक है, याद रखना ये बच्चे बहुत ज़्यादा गलत। पहली बात तो इटालियन है तो फ्रांस में तो पैदा हो नहीं सकता, सेंट्रल एशिया में भी नहीं हो सकता, रशिया में नहीं हो सकता, तो जुनेवा थोड़ा अलग है, तो इसलिए जुनेवा इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं कि डैश द पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट स्ट्रेस्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। मैं आपको बता दूं कि वो सिस्टम, वो पॉलिटिकल फिलॉसफी, वो सोच जिसमें ये बोला जाता है कि ट्रेडिशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पहले चल रहा था वही ज़्यादा बेस्ट है, तो इसको क्या कहते हैं, क्या डेमोक्रेसी कहते हैं, आर्मी रूल कहते हैं, नेशन स्टेट कहते हैं? आंसर इज नहीं, इसका आंसर है सी, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब क्या, हम कहते हैं ना कि ये बंदा बड़ा कंजर्वेटिव, यानी पुरानी सोच वाला, तो इसमें देखो ओल्ड ट्रेडिशन की बात हो रही है, कस्टम की बात हो रही है, तो इसलिए इसका आंसर है जी सी, कंजर्वेटिज्म, ठीक है, जो 1815 के बाद दोबारा से कंजर्वेटिव रिजीम आ गई थी, दोबारा से वो किंग वाला सिस्टम आ गया था, पुराना सिस्टम आ गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 है जी, यंग इटली और यंग यूरोप किसने बनाया था, ड्यूक मेटरनिक, गसेपे मजीनी, काइजर विलियम, ऑटोमन बिस्मार्क? द आंसर इज गसेपे मजीनी ने बनाया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं कि डैश बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी द पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट एंड किंगडम। जो इटली था ना हमारा, बहुत अलग अलग पार्ट में बटा हुआ था, सेंट्रल, नॉर्थ, साउथ, बहुत अलग अलग राजा वगैरह हुआ करते थे उसमें, ठीक है। अगर आपको पता है कि एक एरिया था, सात अलग अलग में बटा हुआ था, एक जो एरिया था उसका जो किंग था वो इटालियन किंग था, उसका नाम बता दोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, आ जाएगा, वैसे मैं बता दूंगा। तो जो वो हमारा इटली था, बहुत अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, तो एक बंदा था जो ये कहता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इटली को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बटा होना चाहिए, इटली को मिला देना चाहिए। तो ये बात किसने बोली थी, ये बात बोली थी जी हमारे गसेपे मजीनी ने, ठीक है, इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं के विच इज़ नोन एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल, क्रेडल यानी पालना, बच्चे को मतलब झूलता हुआ देखा ना वो पालना, तो किसे कहा जाता है, फ्रांस को, ग्रीस को, जर्मनी को, इटली को? द आंसर इज ग्रीस को, ठीक है, याद रखना इसका आंसर ग्रीस है, ग्रीस को क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन बोला जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये किसने बोला था कि वेन फ्रांस नीज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैच कोल्ड, जब जो हमारा फ्रांस है वो छींकता है तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता है, ये बात किसने कही थी? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जब भी इस चैप्टर में से आपको लगे कोई डायलॉग, तो एक ही बंदा है जो हमेशा डायलॉग मारता है ज़्यादातर, वो है ड्यूक मेटरनिक, ठीक है, तो ये बात ड्यूक मेटरनिक ने ही बोली थी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं कि व्हेन ग्रीस बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन, ग्रीस कब इंडिपेंडेंट नेशन बना था? एक ट्रीटी साइन हुई थी, ठीक है, उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। एक अलग क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल किस कंट्री से रिलेटेड है, ग्रीस से रिलेटेड है, कब साइन हुई थी? 1832 में साइन हुई थी, ठीक है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में साइन हुई थी, ग्रीस के इंडिपेंडेंस से रिलेटेड थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और अपने मार्क्स वगैरह बताना कमेंट बॉक्स में कि सर 50 क्वेश्चन पूछे थे आपने, मेरे इतने गलत है इतने सही हैं। ओके, और समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गलती हो जाए कोई बात नहीं, बट समझना इंपॉर्टेंट है, ईमानदारी से मार्क्स लिखना आपने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 के, ग्रीस हैड बीन अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस द डैश सेंचुरी, जो हमारा ग्रीस था, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होने से पहले ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था, कब से? 15 सेंचुरी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ट्रीटी ऑफ डैश 1832, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ग्रीस की इंडिपेंडेंस से रिलेटेड एक ट्रीटी थी, उसका नाम था ट्रीटी ऑफ, क्या नाम था, ट्रीटी ऑफ वाइना वर्सेल्स, या ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, या इंडिपेंडेंस, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 डैश अ कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट। क्या मतलब है इसका? यह आपसे ये बोला गया है कि एक कल्चरल मूवमेंट, ठीक है, जिसमें नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को जगाया जाए, ठीक है, कल्चर की हेल्प से, फोक सॉन्ग की, फोक डांस की हेल्प से लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई जाए, तो उसको क्या कहा जाता है? कंजर्वेटिज्म, रोमांटिसिज्म, नेशन स्टेट या ग्लोरिफिकेशन? द आंसर इज रोमांटिसिज्म। इंपॉर्टेंट है, अगर ये सब्जेक्टिव में आता है तो चलो, वैसे तो नहीं आएगा, फर्स्ट चैप्टर तो सब्जेक्टिव में आने के चांस ही नहीं है, बट फिर भी ये याद रखना आपको रोमांटिसिज्म के बारे में। क्वेश्चन नंबर 43 वॉक्स गाइस का क्या मतलब होता है? वॉक्स गाइस का मतलब होता है जी ट्रू स्पिरिट, नॉट फोक डांस, नॉट फोक सॉन्ग, नॉट ग्लोरिफिकेशन, ट्रू स्पिरिट को कहते हैं जी वॉक्स गाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं, 44 है जी अवेयरनेस ऑफ द वुमेन्स राइट एंड, बड़ा ईजी है ये, ध्यान से सुनना, अगर नहीं भी पता ना, आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तब भी आप आंसर कर पाओगे। अवेयरनेस ऑफ द वुमेन्स राइट एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ द सोशल इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ द जेंडर इज नोन एज, जब वुमेन्स के इक्वल इंटरेस्ट की बात आती है, चाहे वो किसी भी सोशल हो, इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल राइट की इक्वालिटी की बात आती है, तो क्या कहते हैं उसको, अवेयरनेस जगाने के को क्या कहते हैं? वुमेन एम्पावरमेंट, इक्वालिटी, दास वॉक्स या फेमिनिस्ट? पता ही होगा इसका आंसर, फेमिनिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 हु वॉज द रूलर ऑफ सार्डिनिया पिडमोंट। अब मैंने ना थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि जो इटली था वो अलग अलग पैचवर्क में बटा हुआ था, अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, सात अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, सात अलग अलग स्टेट में बटा हुआ था, उसमें से जो एक स्टेट था उसका जो लीडर था वो कौन था? वो इटालियन बोलता था, ठीक है, और उस एरिया का नाम था सार्डिनिया पिडमोंट, और उसका जो रूलर था उसका नाम था जी किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड। याद रखना, देखो तीन चार क्वेश्चन एक ही इस क्वेश्चन में कवर करवा दिए, समझ आ गया ना आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है कि इन डैश कौन से साल की बात हो रही है जब प्रूशियन किंग जो था विलियम वन वो जर्मन एम्परर बना, ठीक है, और उसकी सेरेमनी हुई कहाँ पर? हमारे वर्सेल्स में। तो इसका आंसर भी आपको पता है, कहाँ का बना था? जर्मनी का। अभी ऊपर क्वेश्चन भी आया था इससे रिलेटेड, 46 का। क्या आंसर है, ए बी सी या डी? इसका आंसर है जी सी, आई होप ये पता हो आपको। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं कि प्रूशिया टुक द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट। अभी मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन ये लिखा है कि प्रूशिया जो था उसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी जर्मनी को यूनिफाई करने में, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में। उसको लीड किसने किया था, उस चीफ मिनिस्टर का नाम क्या था जिसने इस प्रोसेस को प्रूशियन आर्मियों और ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलके एक सफल मूवमेंट बनाया था और इंडिपेंडेंस दिलवाई थी, ठीक है, मतलब एक तरह से जर्मनी को नेशन स्टेट बनाया था, यूनिफाई करवाया था। ऑटोमन बिस्मार्क, किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड, चीफ मिनिस्टर कैवर या गसिपे मजीनी? ये तो बड़ा सिंपल है, आई होप ये बात आपको पता हो। वैसे तो देखो चीफ मिनिस्टर लिखा हुआ है तो चीफ मिनिस्टर कैवर ही है इसका आंसर, लॉजिक भी लगाना है आपको, ठीक है, इसमें पहले से लिखा है चीफ मिनिस्टर तो चीफ मिनिस्टर कैवर। ओके ओके, अब बात करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु वेन एक्ट ऑफ यूनियन वॉज साइंड। पहले तो एक्ट ऑफ यूनियन है क्या? एक्ट ऑफ यूनियन के अंडर स्कॉटलैंड को इंग्लैंड मिलाकर, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को मिलाकर क्या बनाया गया था? यूनाइटेड किंगडम, यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो वो कब साइन हुई थी? 1801 में, 1707, 1701 या 1761? द आंसर इज 1707। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलकान्स जो था एक ज्योग्राफिकल एरिया था जहाँ पर आज का रोमानिया, बुल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, ठीक है, क्रोएशिया और भी अलग अलग कंट्रियाँ हैं, ठीक है, तो वहाँ के जो लोग थे जो पहले से ही वहाँ पर रहते थे उनको क्या बोला जाता था? बाल्केनियन, स्लाव्स, रशियन या डार्क्स वॉक्स? तो मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे सर बाल्केनियन, ये गलत है, उनको स्लाव्स बोला जाता था, ठीक है, स्लाव। अब देखो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने चैप्टर करा ही नहीं है तो फिर तो ये वाली गलती होना लाजमी है, बट कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही करो अगर बिल्कुल ना पता हो, बट आई होप आप चैप्टर देख के आए हो, समझ के आए हो। अगर आपने चैप्टर की वीडियो नहीं देखी ना तो पहले वो जाकर देखना, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या रीजन है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था, किसकी वजह से हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? ये जो बलकान्स में लड़ाई चल रही थी ना उसी की वजह से हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट जोन ऑफ बलकान, ठीक है। अब सबसे पहले तो जितने भी क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं वो क्वेश्चन नंबर लिखना,
जिससे अगर कोई डाउट है तो वो लिखना, कितने मार्क्स आए हैं वो लिखना, और साथ में आ रही है वीडियो शेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहा हूँ। ठीक है, हम एमसीक्यू की भी अलग से टेस्ट वगैरह भी लूँगा मैं आपको, एक बार आप सारे एमसीक्यू वगैरह कर लो, फिर मैं एमसीक्यू का टेस्ट वगैरह भी लूँगा आपका। अभी पहले मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट भी करी है, बहुत सारे बच्चों के टेस्ट भी लिए हैं, मतलब चैप्टर वाइज 25 क्वेश्चन के मैंने टेस्ट लिया है एमसीक्यू के, तो बहुत बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं। तो मैं आपसे भी यही एक्सपेक्ट करूँगा कि आप भी वो टेस्ट वगैरह दो और वीडियो को शेयर ज़रूर करो, क्योंकि हमारा टारगेट है इस साल किसी भी हालत में, ये अभी जुलाई चल रहा है, हमारे पास 3-4 महीने हैं, ठीक है, और 67,000 सब्सक्राइबर है, तो इस साल तो किसी भी हालत में हमें सिल्वर चाहिए ही चाहिए, कम से कम हमें 1,00,000 सब्सक्राइबर तो चाहिए ही चाहिए। तो वीडियो को शेयर करो, और अगर अच्छी लगे तो शेयर करो, ठीक है, अगर आप अभी तक देख रहे हो तो अच्छी ज़रूर लगी होगी, तो शेयर करना, और बाकी कोई दिक्कत आए तो मेरे को बता देना, इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक, ठीक है, मैं टेलीग्राम पे एक अलग से चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारी की सारी पीडीएफ वगैरह सारी की सारी चीज़ें मिल जाती है, अलग से ग्रुप बना रखा है, कुछ पूछना हो तो वहाँ पर आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी अलग अलग चैनल है, मेन पॉइंट स्टडी, मेन पॉइंट टेक, मेन पॉइंट गेमिंग वगैरह, तो उन सब पे आप जा सकते हो, मेन पॉइंट टेक जो है वो थोड़ा अर्निंग से रिलेटेड है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट योर फॉर योर एग्ज़ाम, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।